मैं सत श्री अकाल सलाम अलैकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर एंड बेस्ट वीडियो, एंड आज की वीडियो है सूरह अद-दुहा के बारे में। और ये वीडियो देखते हैं भाई, आई ओपनिंग रिमाइंडर होने वाला है, मोहम्मद अली यूट्यूब चैनल की वीडियो है। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं और फिर कहते हैं बाकी बातें डिस्कस। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है भाई ये। तो अल्लाह ने इसीलिए स्टार्ट ही इसी से किया, वद्दुहा, कि मैं कसम खाता हूँ आफ्ताब की रोशनी। ये बड़े पावरफुल अज़कार हैं, याद रखें। अल्हम्द सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये जो अज़कार है ना, ये दज्जाल जब आएगा तो उसके दौर में मोमिन की खुराक होगी। जब फैमिन का दौर होगा तो ये मोमिन की खुराक है ये जिक्र। आज हम बात करेंगे सूरह ज़ुहा पे इंशाल्लाह, के बहुत से लोग ज़ाहिर है डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल्स, हमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। किसी की का अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, किसी को औलाद का इशू है, किसी को कोई स्पाउस से इशू है, किसी की शादी नहीं हो रही, वगैरह वगैरह बहुत से टेस्ट ट्रायल्स इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। तो सूरह ज़ुहा में मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन का इलाज है। इस तरह की डिप्रेशन जो वक्ती तौर पे आ जाए, शैतान की तरफ से आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को जो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरें, सूरह ज़ुहा पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। तो सूरह ज़ुहा सबसे पहली बात मक्का में रिवील हुई, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग इसको पढ़ें भी तफसीर के साथ। बैकग्राउंड इसका ये है कि सहाबी बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो रवायत करते हैं कि इसका बैकग्राउंड ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बिकेम इल, सो ही डिड नॉट स्टैंड फॉर प्रेयर फॉर अ नाइट और टू। देन अ वुमन केम एंड सेड, ओ मोहम्मद, आई थिंक दैट योर डेविल हैज़ फाइनली लेफ्ट यू, अल्लाह माफ़ करे। यानी इस तरह के तलख अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने पड़ते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बीमार थे रात के लिए। ये अब इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिकॉर्ड किया है, तफसीर बिन कसीर से मैं कोट कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि खातून आई, उसने कहा जी कि लगता है तुम्हारे शैतान ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, नाउज़ बिल्ला। यानी उसका मानना ये था ना कि कुरान शैतान की तरफ से शायद, और उसी ने फॉरसेक कर। तो फिर अल्लाह ने सूरत रिवील की। दूसरा, बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी नसाई, उनमें भी ये रिकॉर्ड की गई है हदीस, और यही है उन सबका व्यू कि ये उस मौके पर रिवील हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे, और अल्लाह के नबी को ये लग रहा था कि, यानी लोग कह रहे थे ना कि अल्लाह ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह तुमसे हेट करता है, यहाँ तक भी जाहिर है कि लोगों ने कहा। तो बहरहाल आइडोलेटर्स जो थे मुशरिकीन, उन्होंने भी यही कहा कि लगता है मोहम्मद का जो अल्लाह है, जो खुदा है, उसने मोहम्मद को नाउज़ बिल्ला नेगेट कर दिया है, या मोहम्मद को जो है वो छोड़ दिया है। तो यही है शुरू के अल्फाज सूरह ज़ुहा के, पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसम है आफ्ताब की रोशनी की, बाय द फोर नून, आफ्ताब की रोशनी की कसम है। वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए। वल्लैल इज़ा सजा से मुराद है बाय द नाइट व्हेन इट डार्कन्स। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना तो छोड़ दिया तुझे तेरे रब ने और ना ही वो तुझसे नफरत करता है, ना ही वो नाराज़ है तुझसे, ना ही उसने छोड़ दिया है तुझे। योर लॉर्ड हैज़ नीदर फॉर सेकन यू नॉर हेट्स यू। वलल आखिरत खैनु लका मिनल ओला, एंड इंडीड द हेयर आफ्टर इज़ बेटर फॉर यू दैन द प्रेजेंट, बल्कि आखिरत तेरे लिए बहुत बेहतर है इससे जो दुनिया में करेंटली तेरे पे चल रहा है। तो देखे, चार लेसन्स अखज होते हैं सूरह ज़ुहा से, बड़े पावरफुल चार लेसन्स इंशाल्लाह, जिन पे मैं आज रोशनी डालूंगा। सबसे पहले ये पहली चार पांच आयतें सामने रखते हैं, और पहले लेसन को हम सामने रखते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होते थे, ठीक है ना। तो इट्स ओके टू बी सैड, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसे गम आएंगे, और ये अल्लाह ने लाइफ की नेचर भी यही बताई कि अल्लज़ी खलक अलमौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूंगा तुम में से बेहतरीन अमल वाला कौन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतने गम की हालत में थे कि अल्लाह ताला ने बकायदा गारंटी दी कि नहीं, आपको फॉरसेक नहीं किया अल्लाह ताला ने, क्योंकि ज़ाहिर है वही भी रुक गई थी कुछ अरसे तक। तो हज़रत जिब्राइल को मिस किया करते थे अल्लाह के नबी, फिर वो रूहानियत को मिस किया करते थे, तो ज़ाहिर है अल्लाह से अब कोई राबता डायरेक्ट नहीं है, पहले हज़रत जिब्राइल आया करते थे। तो सोचें कि कितना वो टफ़ टाइम होगा हमारे नबी पे।
तो सबसे पहला लेसन ये कि इवन प्रॉफिट सल्लम वाज सैड, ठीक है, इट्स ओके टू बी सैड। दूसरी बात ये जो इन चंद आयात से साबित हो रही है कि देयर इज लाइट, वी आर रिमाइंडेड कि रोशनी होगी, रात होगी, लेकिन रात के अंधेरे के बाद आप देखें रोशनी छा जाती है। तो अल्लाह ने इसीलिए स्टार्ट ही इसी से किया, वद्दुहा, कि मैं कसम खाता हूँ आफ्ताब की रोशनी की, यानी देयर इज ऑलवेज होप, देयर विल ऑलवेज बी अ न्यू डे, और टाइम विल कम एंड गो, वक्त आएगा, बुरा टल जाएगा, फिर कुछ अल्लाह की तरफ से राहत आ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन, लाइफ की नेचर अल्लाह ताला बता रहा है कि यस अंधेरा भी छा जाता है और वो पूरा का पूरा छा जाता है, लेकिन कभी भी अंधेरा पूरा का पूरा नहीं रहता है, सुबह होती ही होती है। तो इसीलिए अल्लाह ने स्टार्ट ही वद्दुहा से किया, वल्लैल इज़ा सजा, और जब रात का अंधेरा छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। यहाँ से ये भी साबित होता है कि दुहा प्रेयर जो होती है, जिसे हम चाश्त की नमाज भी कहते हैं ना, दो रकत नफल, तो उसके बारे में मैं एक हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एज ईच मॉर्निंग कम्स एवरी वन ऑफ यू मस्ट गिव चैरिटी फॉर एवरी लिम्ब ऑफ देयर बॉडी। जब भी सुबह का वक्त हो तो तुम्हारे हर जो आज़ा है उसको सदका करना चाहिए। सेइंग सुबहानअल्लाह इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी, सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी, सेइंग ला इलाहा इल्लल्लाह इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एंड सेइंग अल्लाहु अकबर इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ये बड़े पावरफुल अज़कार हैं, याद रखें, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसको हमारे मुआशरे में ज़ाहिर है चौथा कलमा भी कहते हैं। बहरहाल तो ये एक हदीस में भी आता है कि ये जो अज़कार है ना, ये दज्जाल जब आएगा तो उसके दौर में मोमिन की खुराक होगी, जब फेमिन का दौर होगा तो ये मोमिन की खुराक तो है। बहरहाल ये अल्लाह के नबी ने कहा ये सारे अल्फाज चैरिटी हैं। कमांडिंग पीपल टू डू गुड इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी एंड फॉरबिडिंग ईवल इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। टू प्रे टू यूनिट्स एट द टाइम ऑफ दुआ सफिसेस ऑल ऑफ दिस चैरिटी। अल्लाह के नबी ने कहा जो भी दो रकअत चाश की नमाज पढ़ लेता है वो इन सारी चैरिटीज को ओवरकम कर लेते, यानी उसकी वो उस दिन की चैरिटी हो जाती है, ये जितनी भी चैरिटीज अल्लाह के नबी ने बताई। तो ये है चाश की नमाज का जो रिवॉर्ड। चाश की नमाज जो है वो सूरज जब राइज हो जाता है तो उससे लेकर जोहर की नमाज से थोड़ा सा पहले तक, आप कह लें आजकल 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, 11:15 तक गालिबन, या इससे थोड़ा सा पहले। आपने देखा होगा तबलीगी जमात ले जाती तो वो ये आदत डालती, अब अबील की नमाज भी आपने सुना होगा, चाश की नमाज, दोहा की नमाज, ये सारी। हम बात कर रहे थे लेसन्स की, तो लेसन ये चंद आयात से ये निकला कि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आनी है, कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रहती। तो मोमिन को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के बारे में। होप ही एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को जिंदा रखती है, होप ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हेल्दी रखती है। तो अल्लाह ताला होप दिला रहा है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं हैं कि अल्लाह तुझे नहीं छोड़ सकता, ना अल्लाह तुझसे हेटेड करता है। बस ये अल्लाह के कुछ तरीके होते हैं इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को कुछ सिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ने वादा किया वल आखिरत खैरुन लका मिन अलूला, के नबी ये दुनिया तो है ही आपके लिए बहुत बेहतर, लेकिन ये कि आखिरत इससे भी बेहतर होगी आपके लिए। तो इस दुनिया के जो गम हैं, इस दुनिया में जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, वो कहीं आप लोगों को इस गम में ना डाल दें कि मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी तो है ही बहुत टेम्प्ररी, असल में आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ पर आपका रिवॉर्ड जमा हो रहा है। और पता नहीं अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने कितना देना है, देखें इन्ना आतवीना कल कौसर, जब ये सूरत नाजिल हुई थी तो अल्लाह के नबी बहुत खुश थे, और साहबा ने खुशी की वजह पूछी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने मुझे अलकौसर देना और उससे मैं अपने उम्मतियों को पानी भी पिलाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटस है, और मुकामे महमूद आपकी सोच है वो कितना बड़ा स्टेटस है अल्लाह के यहाँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितना करीब होंगे अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में। तो इसलिए मोमिन के लिए देर इज़ ऑलवेज होप, अगर ज़िंदगी में कोई कमी रह जाती है, कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिल जाता है, तो मोमिन कभी भी होपलेस ना हो। सो गाइस ये थी वीडियो, भाई बहुत अमेजिंग वीडियो थी, है ना, हाँ। होप है तो सब कुछ, हमने इनकी होप नहीं है तो आप हाँ, लाइफ में जो सही बात, हमने इनकी एक वीडियो देखी भी है भाई, पहले देखी है ना मोहम्मद अली के, इनके चैनल की एक दो वीडियो देखी है, जब ये बैठ के बातें कर रहे थे आपस में, इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, वीडियो बहुत अमेजिंग होती है, तो हम इनकी और भी वीडियो देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। एंड भाई मेन तो जिक्र यही था इन्होंने, है ना, कि दुआ के बारे में बात करी थी ना, सुबह दुआ के बारे में बात करी थी,
कि वो डिप्रेशन को कम करने के लिए है, और उसका पूरा जिक्र बताया कि कब कब कैसे कैसे वो नाजिल हुई थी वो चीज़ के लिए, एक औरत का वाक्य था उसमें वो चीज़ बताई थी। एंड भाई मेन चीज़ तो ये कह रहे थे कि हमारी लास्ट की ज़िंदगी भाई वो एरियल ज़िंदगी, ये तो टेम्परेरी है। एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ में परेशानी होती है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो मैं इस चीज़ के बारे में सोचते रहता हूँ कि मेरी लाइफ में ये क्यों परेशानी है। बट आई थिंक ये एक टेस्ट हो रहा है ना, कि अगर वही चीज़ है ना कि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी पढ़ते पढ़ते, है ना, कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आप वो पढ़ जाओगे क्रॉस कर जाओगे वो चीज़ को, तो ऑब्वियस बात है रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, 98-99% आएंगे आपके। तो वैसे ही हर एक के लाइफ में है ना, अब मेरी लाइफ में इतनी मुसीबतें हैं, सभी लाइफ में होती है, पहली बात ये हम सोचते हैं, हम घबरा जाते हैं उन मुसीबतों से, लेकिन जितनी ज़्यादा मुसीबतें होंगी तो मेरे ख्याल से रिवॉर्ड भी उसका उतना ही बड़ा होगा, एंड होप सो रिवॉर्ड पर बड़ा ही मिलेगा। और दूसरी बात ये कि भाई ऊपर वाला खुदा किसी के साथ बुरा थोड़ी ना करेगा, जिसने हमें बनाया है, अब हमारा जो माँ बाप है तो जिसने हमें बनाया है वो ऑब्वियसली बात है किसी के साथ बुरा थोड़ी ना करेगा। एंड बाकी ये है कि भाई विश्वास रखो अपने अंदर, अपने काम अच्छा करो, बाकी सब कुछ सही होगा। गाइस बस इतनी वीडियो में था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।